नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या, पहले युवक को पीटा गया इसके बाद गोली मारी गई। अवैध संबंध के शक में युवक को पहले पीटा और फिर उसे गोली मार दी गई। ग्रामीणों ने आधे घंटे तक शव को उठने नहीं दिया और हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें कि परतापुर थाना क्षेत्र के बजोट गांव स्थित जिलानी गार्डन में मुस्तफा रहता था। पुलिस के मुताबिक मुस्तफा पावर हेडलूम में काम करता था। यहां उसके साथ मोहल्ले का भी सरताज काम करता था। पुलिस के मुताबिक मुस्तफा के संबंध सरताज के परिवार की महिला से हो गए थे। इसे लेकर मुस्तफा और सरताज के बीच विवाद हो गया। इसके चलते मुस्तफा अपनी पत्नी हाजरा के साथ बहन सज्जो के यहाँ फातिमा गार्डन लिसाड़ी गेट में रहने लगा। मुस्तफा ने अपना घर इमरान नाम के युवक को किराए पर दिया था। कल देर रात को मुस्तफा मकान का किराया लेने के लिए बाजोट में गया हुआ था। इसी दौरान सरताज और उसके दोस्त कादिर सहित तीन लोगों ने मिलकर मुस्तफा को गाँव में ही घेर लिया। पहले उसके साथ मारपीट की गई, वह आरोपियों से छूटकर भाग निकला और पत्नी को फोन करके घटना के बारे में बताया। इसी दौरान सरताज और उसके साथियों ने मुस्तफा को गोली मार दी, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही लोगों की भीड़ जुट गई और उन्होंने आरोपियों की घेराबंदी का प्रयास किया। सूचना मिलते ही लिसाड़ी गेट थाने की पुलिस पहुंची। पुलिस ने भी आरोपियों को पकड़ने का प्रयास भी किया लेकिन वह भाग गए। स्थानीय लोगों ने आधे घंटे तक मुस्तफा का शव नहीं उठने दिया और हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत किया और आश्वासन दिया कि जल्द ही पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। सर, परतापुर थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया, सर क्या पूरा मामला है? देखिए, परतापुर थाना क्षेत्र में सोफटा रोड की घटना है ये। आज रात्रि 9:30 बजे की बात है जब मुस्तफ़ा नामक एक व्यक्ति को सरताज और उसके साथी जो उसका साला है कादिर, इन दोनों के द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और वहां पर जाकर लोगों से बातचीत करी है तो प्रथम दृष्टया ये जानकारी आई है कि ये जो मुस्तफ़ा नाम का मृतक व्यक्ति है, ये लगभग 1.5-2 साल पहले ये बिल्कुल नेक्स्ट डोर ये जो है एक दोनों एक दूसरे के बगल के मकानों में रहते थे। संभवतः अनैतिक संबंधों, अवैध संबंधों के की जो के शक को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ और फिर उसके बाद में ये मृतक कहीं और जा करके फतेहउल्लापुर क्षेत्र में रहने लगा था। आज ये यहाँ पर आया और इसका भाई भी इसके साथ था। किसी बात को लेकर पुनः दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ है और बताया जाता है कि उसी के दौरान सरताज और उसके साले कादिर ने इस मृतक मुस्तफा को गोली मार दी, जिसके बाद में उसको अस्पताल ले जाया गया परंतु उसकी मृत्यु हो गई। सर, क्या अवैध संबंधों को लेकर कुछ बात सामने आ रही है, सर चर्चा है? देखिए, ये कहना तो अभी जल्दबाजी हो जाएगी लेकिन फिर भी मौके पे जो मैं गया हूँ और लोगों से आसपास बात करी है, यहाँ तक कि जो मृतक का जो सगा भाई साथ में था उसके द्वारा भी ये बताया गया कि जो अभियुक्त पक्ष है उसके परिवार की एक महिला के साथ में मृतक के कथित रूप से अवैध संबंध थे, जिसके बारे में दोनों के मध्य कटुता रहती थी और उसी वजह से कुछ दिन पहले भी जो है ये इसको यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा था और अब दोबारा से उसी अवैध संबंध के कथन को लेकर, उसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में आज कोई बात हुई है जिसमें गोली मार करके हत्या करी गई है। बाकी जैसी तहरीर आएगी साक्ष्य और सत्ता के आधार पर हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे, मुल्जिमों की जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज।